नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा बोट नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। और ये नेक डिज़ाइन हम एक मैचिंग कपड़े से बनाएंगे। इससे हम कुछ डोरी बनाएंगे और पाइपिंग निकालेंगे। ये हमारा ओरेब कपड़ा है जो हमने 1.5 इंच चौड़ा कटिंग किया हुआ है। और ये हमारी सीधी पट्टी है, इससे भी हम अपनी पट्टी तैयार करेंगे इस प्रकार से 1.25 इंच चौड़ी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने नेक की कटिंग करेंगे बुकरम के ऊपर। ये हमारी बुकरम का पीस है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम आपको बता देते हैं। इसकी चौड़ाई हमने ली हुई है 11 इंच और लंबाई है हमारी 5.5 इंच। तो इसे इस प्रकार से ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद सबसे पहले ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो बोट नेक में ब्रॉडनेस रखेंगे हम 9 इंच, उसका आधा करने के बाद हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और डीपनेस हमारी रहेगी नेक की लंबाई 4 इंच। ये हमने 4 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम दोनों निशानों को इस प्रकार से ऐसे मिलाएंगे और इसके बाहर के साइड हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद इसे कुर्ती के सेम कपड़े पर रखकर चिपका लेंगे। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली है तो आप इसे प्रेस से चिपका सकते हैं, और अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं है तो आप इसे सिलाई से भी चिपका सकते हैं। तो ये देखिए, हमने अपने नेक की कटिंग कर दी है। अब हम इसे कपड़े पर ऐसे रखेंगे उल्टी तरफ, और उल्टी तरफ रखने के बाद इसे प्रेस से चिपका लेंगे। और ये हमने अपने नेक को कपड़े पर चिपका लिया है, और साथ ही बाहर से 1/2 इंच कपड़ा बुकरम के ऊपर भी फोल्ड कर लिया है। बीच में सेंटर में एक हमने कट भी लगाया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारी कुर्ती का फ्रंट भाग है और ये हमने सेंटर का निशान लगाया है। अब हम अपने नेक को कुर्ती के फ्रंट भाग पर सीधी तरफ रखेंगे ताकि ये पलटने के बाद अंदर के साइड आ जाए। तो सबसे पहले हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, उससे हमारा नेक इधर उधर नहीं होगा। और उसके बाद हम बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब हम थोड़ा कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर दी है। अब हम गोलाई में सिलाई तक कट लगाएंगे। और इसे अंदर के साइड पलट देंगे। ये हमने अपने नेक को पलट दिया है। अब हम प्रेस लगाकर इसे बड़ी ही फिनिशिंग के साथ जमा लेंगे। नेक पर हमने प्रेस लगा ली है। अब हम जो अपने नेक में पट्टी लगाएंगे डिजाइन के लिए, वो पट्टी तैयार करेंगे। ये देखिए, मैचिंग कलर की पट्टी है। आप चाहे तो सेम कलर की भी ले सकते हैं। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसे ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे पलट देंगे। ये हमारी हुई सीधी पट्टी। और ये देखिए, हमने अपनी पट्टी को पलट दिया है। 1/2 इंच चौड़ी हमारी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम डोरी तैयार करेंगे। तो डोरी बनाने के लिए हमें ओरेब कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमने अपनी पट्टी को प्रेस से बैठा दिया है, और ये हमारी डोरी है, इसे भी हमने प्रेस से बैठा दिया है। अब हमें अपनी पट्टी को 2.5 2.5 इंच की दूरी पर कटिंग कर लेना है। आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो हम अपनी पट्टी कटिंग कर लेंगे 5 पट्टी। डिज़ाइन के लिए हमें 5 पट्टी की ज़रूरत होगी।
और ये हमने अपनी पट्टियों को ढाई ढाई इंच की दूरी पर कटिंग कर दिया है। अब हम ऐसे मोड़ेंगे, सीधा भाग हमारा सीधी तरफ रहेगा और उल्टा भाग हमारा अंदर आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले एक सेंटर में पट्टी लेंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कन्नी की। ये हमने कन्नी पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है और फिर इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को बनाएंगे और बिल्कुल सेंटर में यहाँ ऐसे दूसरी पट्टी लगाएंगे और फिर निशान लगाएंगे, फिर 1.5 इंच की दूरी पर हम दूसरी पट्टी लगाएंगे और इसी तरीके से हम इस साइड भी 2 पट्टी लगाएंगे और इस साइड भी हमारी टोटल 5 पट्टी आ जाएंगी। और जिस प्रकार से हमने 2 पट्टी उस साइड लगाई हैं सेंटर से, और इसी प्रकार से हम 1.5 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर भी पट्टी लगाएंगे। और पट्टी लगाने के बाद अब हम अपनी डोरी की कटिंग करेंगे। तो डोरी की कटिंग हम 6 इंच से करेंगे। ये हमने 6 इंच से डोरी की कटिंग कर दी है और इसी तरीके से हम अपनी 5 डोरी की कटिंग करेंगे। जितनी हमारी पट्टी है उतनी ही हमारी डोरी आ जाएंगी। अब हम एक एक डोरी अपनी ऐसी पट्टी में लगाएंगे और पट्टी में लगाने के बाद आप चाहे तो सुई और धागे से इसे आपस में जॉइंट कर सकते हैं और आप चाहे तो मशीन से भी इसे जॉइंट कर सकते हैं। तो हम मशीन से जॉइंट करेंगे। हमने मशीन से जॉइंट कर लिया है और इस जॉइंट को हम अपनी पट्टी के नीचे छुपा देंगे ऐसे, और इसे ऐसे रखेंगे ऐसे। और ऐसे रखने के बाद ऐसे इसका एक्स बनाएंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, हल्की सी सिलाई होगी हमारी। इस तरीके से, और इसी तरीके से हम अपनी सभी डोरी और पट्टी तैयार कर लेंगे आपस में जॉइंट लगाकर। तो ये हमने अपनी सभी डोरियों पर सिलाई लगा दी है और बहुत ही सुंदर सा हमारा नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अब इसके बाद हम यहाँ पर पाइपिंग निकालेंगे। तो बड़ी ही खूबसूरती से हमें पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग के लिए भी हम ओरेब कपड़ा लेंगे और इसे उल्टा कर लेंगे। हमने अपनी कुर्ती को उल्टा कर लिया है और उल्टा करने के बाद नीचे के साइड ऐसे पाइपिंग लगाएंगे पाइपिंग हमें थोड़ी मोटी निकालनी है जिससे हमारी पट्टी आराम से अच्छी तरीके से इसके अंदर आ जाए।
अब हम हल्का सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद अब हम ऐसे मोड़ेंगे अंदर के साइड और हमें थोड़ा पाइपिंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है। और ये हमने प्रेस लगाकर अपने नेक को अच्छी तरीके से बैठा दिया है और साथ ही सुई और धागे से डोरी के ऊपर एक एक बटन भी लगा दिया है। तो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सोबर सा नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हमारा डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।